हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया। आज से हम यूपी पीजीटी प्रवक्ता पद या जीआईसी के लिए नागरिक शास्त्र विषय को पढ़ेंगे या राजनीति शास्त्र विषय को पढ़ेंगे। हम यहाँ राजनीति शास्त्र का जो हमारा पहला यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत, उसका हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। राजनीति का शाब्दिक अर्थ जाने इससे पहले कि हम देखते हैं कि राजनीति को साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं या राजनीति को साधारण रूप से क्या कहा जा सकता है। वैसे तो बहुत सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग इसका अर्थ बताते ही हैं, लेकिन इसको अगर हम देखें तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। राज का अर्थ होता है स्टेट यानी कि राज्य, और नीति का अर्थ होता है पॉलिसी यानी नीति या कानून बनाना। अगर साधारणतः कहें तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून या नीति ही राजनीति कहलाती है, या कह सकते हैं कि राजनीति जो है सार्वजनिक हित के विषय में किया गया कार्य जो है राजनीति कहलाता है। अब राजनीति विज्ञान का अर्थ जानते हैं। राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य भी कहते हैं। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया था और इन्होंने इसका बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। उन्होंने राजनीति विज्ञान यानी अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विषय विज्ञान माना है, और अरस्तु ने ही राजनीति को मास्टर साइंस भी कहा है, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर भी कहा जाता है। और उन्होंने यानी अरस्तु ने कहा कि राजनीति में न केवल राज्य या सरकार के संस्थान हैं या सम्मिलित हैं, बल्कि परिवार, संपत्ति या अन्य जो सामाजिक संगठन है या समाज इसके अंतर्गत समाहित हैं और या सम्मिलित कर लिया गया है, जो आज समाजशास्त्र, नीति शास्त्र या सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अगर हम अन्य विद्वानों ने भी इसका अलग अलग परिभाषाएं दी हैं या उसको इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो अनेक विशेषज्ञों में ने कहा कि राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार के संदर्भ में परिभाषित किया है। यद्यपि यह परिभाषा जो है राजनीति विज्ञान के लिए पूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति का संबंध शक्ति से है तो इसमें जो है लासवेल और आपका काल कैपलान ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए यह कहा कि यह सत्ता को आकार देने और उससे में भागीदारी का अध्ययन है। अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो राजनीति जो है राज्य और सत्ता दोनों का अध्ययन करती है। राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह जो है प्रायः न्याय संगत शक्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण या अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है, तो उसी प्रकार जो राजनीति विज्ञान राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है। फिर हम ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो सामाजिक गतिविधियाँ, नागरिक अधिकार, राज्य द्वारा निर्मित कानून या राज्य प्रणाली को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। राजनीतिक विज्ञान में इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगर देखें कि समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है मानव की सामाजिक गतिविधियों और उसके अधिकारों का मूल्यांकन करता है या करने वाले संगठनों का अध्ययन करना है। राजनीति विज्ञान राज्य द्वारा निर्मित कानून एवं व्यवस्था का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही इससे संबंधित जो
समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके निपटारे के लिए जो भी उपबंध या कानून बनाए जाते हैं उसका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें गार्नर हैं, गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो है या राजनीति का अंत और आरंभ राज्य के साथ ही होता है। फिर गैटल जैसे विचारकों ने कहा कि राज्य के भूत और वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन ही राजनीति है। लास्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजनीति के संबंध में या राजनीति के अध्ययन का संबंध जो है मनुष्य के जीवन या पुरुषों महिलाओं के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित है, या कह सकते हैं कि राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित है। इसीलिए जो सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान या समाज में रहने वाले व्यक्ति के उस पहलू का वर्णन करता है जो क्रियाकलापों संगठनों से संबंधित है, जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा जो मतभेद हैं या जो विवाद हैं उसको सुलझाना चाहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना या सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किया पीछे, उससे पिछले वर्षों में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। तो प्राचीन काल में जो यूनानी विचार थे वो राज्य के लिए शहर राज्य यानी नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था, और जो वर्तमान समय या आधुनिक समय में हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो है आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के जो विचारक थे मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में 16वीं शताब्दी के आसपास किया था। फिर इस संबंध में ये भी कभी कभी पूछा कि जो शहर राज्य किससे संबंधित है, तो हम ये बता सकते हैं कि प्राचीन जो है ग्रीक से संबंधित है। फिर पोलिस का कभी अर्थ पूछता है कि पोलिस का क्या अर्थ है, तो उसका शहर राज्य है। ऐसे करके विभिन्न क्वेश्चन जो हैं आप पिछले वर्ष का पेपर देखिए उसमें पूछे गए हैं। आगे अगर हम देखें जैसे कि गार्नर का जो स्टेटमेंट है कि राजनीति का आरंभ और जो अंत राज्य के साथ होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें हालांकि इन्होंने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति शास्त्र का जो राज्य से आरंभ और अंत के साथ ही होता है इसका जो वर्णन किया हुआ है। फिर हम जानेंगे राजनीति विज्ञान की बदलती अवधारणा। अगर हम देखें कि राजनीति विज्ञान प्राचीन काल में राजनीतिक विज्ञान को क्या समझा जाता था, या मध्य युग में या आधुनिक युग में क्या समझा जाता था, तो प्राचीन काल में हम देखें तो राज्य को सीमित राज्य या लिमिटेड स्टेट भी कहा जाता था। अगर कैसे कहा जाता था, पहले क्या होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। फिर जो वो राज्य होते थे उसमें एक तो मोनार्की सिस्टम था या राजशाही व्यवस्था था, राजा राज करते थे, उसमें डेमोक्रेसी नहीं था। क्या होता था कि अगर राजा मर गया तो उसका बेटा ही राज्य होगा, हम चुन नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हम मध्य युग में देखें तो मध्य युग में जो है चर्च का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। चर्च जो है राज्य को नियंत्रित करने लगा था। अगर हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में राजनीति विज्ञान चर्च के धार्मिक आदर्शों की एक शाखा बन गया, और फिर उस पे क्या हुआ, राजनीतिक सत्ता जो है चर्च की प्रभु सत्ता के अधीन हो गई थी। फिर इसमें मतलब कि राज्य में जो भी घटित होता था, आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं आज भी वहाँ जो है धर्म की प्रधानता है। कोई भी कानून पास होता है तो जो
कुछ धार्मिक संस्थाएं पहले उसको देखती हैं या रिव्यू करती हैं। और ये भी देख सकते हैं जैसे मध्यकाल में क्या था कि जो धार्मिक आदेशों या धार्मिक जो यानी चर्च जो कहता था उसको राज्य को मानना ही था। और इतना धर्म की प्रधानता हो गई थी कि एक समय के आने के बाद इन्हें अंधकार युग या डार्क एज भी कहा जाने लगा था। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है कि कल्याणकारी राज्य पाया जाता है। इसमें जो है जो राज्य हैं वह लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने लगा, लोगों को स्वतंत्रता या लोगों को मतलब राज्य के आकार में विस्तार हुआ। राजनीति जो विज्ञान का एक जो व्यवहारिक था व्यवहारिक रूप देखने को मिला, या जो धर्म निरपेक्ष राज्य का उदय हुआ और औद्योगिक क्रांतियां हुई, यह सब मॉडर्न स्टेट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है कि अगर राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का विकास, अब यहाँ क्या है कि कैसे कैसे राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र का विकास हुआ, तो सबसे पहले देखेंगे कि राज की भूमिका, और उसके बाद देखेंगे राज सरकार के कार्य और उसका नागरिकों के साथ कैसा संबंध था, फिर राजनीतिक दल और स्वतंत्रता। अगर राज्य की भूमिका की बात करें तो कि राज्य शब्द का जो पहली बार प्रयोग आपको हम पीछे भी बताएं कि मैकियावेली ने सर्वप्रथम किया था। और राज्य के चार प्रमुख तत्व हैं, जनता, भूभाग है, सरकार या संप्रभुता। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम राज्य के बारे में चर्चा करेंगे तो डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसको ऐसे जानते हैं कि क्या राज्य की क्या क्या भूमिकाएं हैं। अगर राज्य की भूमिका के बारे में बात किया जाए तो हम देख सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि जो राज्य का आधार या राज्य की भूमिका भिन्न भिन्न है। जो प्रारंभिक जो उदारवादी विचारक थे उन्होंने माना कि राज्य एक बुराई है या एक इसको बुराई के रूप में मानते, उनका मानना था इसमें क्या है नियंत्रण की क्षमता होती है। और एक बुराई, राज्य एक बुराई है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे वो उदारवादी जो विचारक थे उनका मानना था कि एक बुराई परंतु जो आवश्यक है ताकि व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया जा सके। हालांकि इस मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छी सरकार वह सरकार वह है जो कम से कम शासन करे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक पुलिस राज्य होना चाहिए। अब पुलिस राज्य क्या है, इसका अर्थ है कि मतलब राज्य को, हालांकि हर्बर्ट स्पेंसर ने पुलिस राज्य की अवधारणा दी है, उन्होंने जो है पुलिस राज्य के केवल दो कार्य बताए, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। और यह अवधारणा, यह जो विचार है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में दिया है। अगर दूसरे अर्थों में हम कहें कि जो उदारवादी एक विचारक है लॉक, उन्होंने कहा कि राज्य को केवल व्यक्ति, लॉक ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, इन्हीं को शामिल करना चाहिए, दूसरे अधिकार नहीं होने चाहिए राज्य को, दूसरे अधिकार राज्य के पास नहीं होने चाहिए। वहीं जो मार्क्सवादी यह मानते हैं कि राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार है जिससे गरीबों का शोषण होता है, तो वहीं जो गांधीवादी हैं, गांधीवादी कहते हैं कि ट्रस्टीशिप की व्यवस्था द्वारा लोगों को अस्तित्व को बचाए रखना है, तो इसके लिए जो है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को सहायता मिलनी चाहिए, इसलिए राज्य की जगह पे ट्रस्टीशिप का स्थापना होना चाहिए। दूसरा हमारा है
कि सरकार के कार्य और नागरिकों के साथ क्या इसके संबंध है। अगर सरकार की बात किया जाए, सरकार जो है राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी माना जाता है, जिसके द्वारा राज्य अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इसके द्वारा ही सरकार के द्वारा ही जो है जो सरकार के तीन अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के माध्यम से जो सरकार नियमों कानूनों के निर्माण या उसके विवादों का जो निपटारा या शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य सरकार करती है। और आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं नागरिक और समाज के कल्याण और विकास के लिए अनेक कार्य भी कर रही हैं जो सरकार और नागरिकों के साथ इसके संबंध को बताता है। ऐसी जो प्रवृत्ति है कि विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, जैसा कि भारत में नागरिक और सरकार के बीच में पारस्परिक संबंध है, अच्छा संबंध है और नागरिक के कर्तव्य भी हैं, नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं और इस नाते भी नागरिकों का एक कर्तव्य होता है कि वह राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें और उनका निर्वहन करें। हालांकि जो जहाँ तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, इसमें हम तीन तरह से देख सकते हैं कि पहला जो है नागरिक अधिकार की बात करें तो पहला जो है नागरिक अधिकार होता है, दूसरा है राजनीतिक अधिकार और तीसरा जो है सामाजिक अधिकार। ठीक, तो नागरिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं और इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या भाषण देने का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार आज जो है नागरिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। और वहीं राजनीतिक अधिकार में क्या है, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार आ जाता है। और सामाजिक में क्या है कि हम आर्थिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, राज्य सुरक्षा और समाज में उपस्थित समाज में जो हमारी उपस्थिति है या सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार समाज में आ जाता है। हालांकि इस जब राज्य इतने अधिकार देते हैं तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है, तो हम यह देख सकते हैं कि नागरिकों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे सरकार को अधिकार, नागरिकों को अगर राज्य अधिकार देता है तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वह सरकार के साथ सहयोग करे, जैसे कि कर दे या नागरिकों को विधि या जो नियम का पालन करके जो नागरिक हैं वह सरकार को सहयोग दें या उनके जो प्रतिरक्षण में मदद करें, ताकि जो आज ही के समय अगर हम वर्तमान में देखें तो जो असाध्य बीमारियों को रोका जा सके। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसा जो पैंडमिक है, अगर सरकार का सहयोग नागरिक करता है तो इस पर जो है बहुत अच्छे से काबू पाया जा सकता है। हालांकि सरकार और नागरिकों में सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, तो यह नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकार के साथ जो सहयोग करे, सरकार के बनाए नियमों का पालन करे। और देखा जाए जनसंख्या विकास को रोकने के लिए जैसे छोटा परिवार की परंपरा को अपनाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा करनी चाहिए, इत्यादि चीज़ें जो है नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाए जो राज्य के कार्य और नागरिक के संबंध को दर्शाता है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत में राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाता है। हालांकि तीन प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक दली, द्विदली, बहुदली। एक दली व्यवस्था जो है एक दली व्यवस्था चाइना जैसी दली व्यवस्था चाइना में विद्यमान है और द्विदली व्यवस्था जो है ब्रिटेन और अमेरिका में है और बहुदली व्यवस्था भारत में विद्यमान है। हालांकि जब हम फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बारे में भी हम आगे चल के विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यह जो है प्राचीन समय में भी देखा गया है कि जो चिंतक थे वो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता इत्यादि चीज़ें। ये सब जो है राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि
जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा समुच्चय जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है, तो उसमें जैसे ये दिया था कि राज्य मूल्य जो है सरकार और निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, यह सब भी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के परिभाषित करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और राजनीतिक दल इत्यादि सब ये सब राजनीति विज्ञान के, इसमें शक्ति और संघर्षों और सहमति का भी अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक सिद्धांत के रूप में देखें तो राजनीति विज्ञान संस्थाओं और राजनीति का अध्ययन है। आज के लिए बस इतना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारा लेक्चर कैसा है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक वाइज आगे सारे टॉपिक्स का लेक्चर प्रोवाइड कराएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।